पाकिस्तान में एक सड़क दुर्घटना ने अमीर गरीब न्याय अन्याय की बड़ी बहस छेड़ दी है। यहाँ कुछ दिन पहले लापरवाही से गाड़ी चला रही एक महिला ने दो लोगों को कुचल दिया। घटना में दो लोगों की मौत हो गई। इसके बाद जो हुआ उसने लोगों को बुरी तरह भड़का दिया। आरोपी महिला का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो दुर्घटना के बाद मुस्कुराते हुए धमकियां दे रही है। उसके चेहरे पर दो लोगों की मौत का कोई अफसोस नहीं दिख रहा। आरोप है कि वो उंगली दिखाते हुए ये जताने की कोशिश कर रही है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बेहद दर्दनाक और चर्चित इस दुर्घटना के बाद पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन दानिश इकबाल की पत्नी नताशा दानिश को चेहरे पर क्रूर और अमानवीय मुस्कान के साथ कैमरे में कैद किया गया था। कथित तौर पर वह गुस्साई भीड़ को तुम मेरे बाप को नहीं जानते कहते हुए धमका रही थी। शुरुआत में माना जा रहा था कि नताशा बेहद नशे में थी, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि नताशा के वकील अमीर मंसूब ने द टाइम्स ऑफ कराची के पत्रकारों से अपने मुवक्किल की मानसिक स्थिति के बारे में बात करते हुए उसे कमजोर बताया। अमीर मंसूब ने कहा वह नहीं जानती कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और वह कार चला रही थी। वह मानसिक रूप से कमजोर है। इस स्थिति में लोगों को चीजें याद नहीं रहती हैं। वह नहीं जानती है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। वह नहीं जानती कि उसने कार चलाई थी। वह बिल्कुल सही मानसिक स्थिति में नहीं है। वह बिल्कुल ठीक नहीं है। या पूछे जाने पर कि 32 वर्षीय नताशा दानिश को उसकी संवेदनशील मानसिक स्थिति में गाड़ी चलाने की इजाज़त क्यों दी गई, वकील ने कहा कि उसका परिवार इस बात से अनजान था कि वह गाड़ी चलाने के लिए बाहर निकली थी। उन्होंने कहा उसके परिवार को नहीं पता था कि वह कार चला रही है। वैसे नताशा पर कार चलाने को लेकर पाबंदी थी। उसे कहा गया था कि बाहर नहीं जाना है, लेकिन वह चली गई।